यहाँ से अब शिक्षा को हम एक नए सिरे से समझेंगे और उसमें उपयोग करेंगे थिंकिंग स्किल्स का, यानी चिंतन कौशल। लर्निंग आउटकम्स कार्यक्रम के दौरान कुछ पेपर वर्क जरूरी होगा जिसमें आपका पूरा सहयोग आवश्यक है ताकि आपको खुद इससे लाभ हो सके। लर्निंग आउटकम्स कार्यक्रम कई संस्थाओं, विशेषज्ञों, महाराष्ट्र शासन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अत्यधिक प्रयत्न, कोशिशों और आपसी सहयोग से संभव हो पाया है। इस प्रोजेक्ट और मिशन की पूरी सफलता के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि इसका संचालन एक्सेंचर कर रहा है और इस प्रबंध में हमारा समर्थन करेंगे मास्टर ट्रेनर्स। इसके लिए उन्हें सहायता सामग्री और एक खास किट भी दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स को अपना प्रशिक्षण कार्य में सहायक टैबलेट, जिसके द्वारा वे लर्निंग आउटकम्स को आगे ले जा सकें, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीड ऑफ जीनियस पुस्तक, लेखक अंकुर गुप्ता, लर्निंग स्टाइल्स का रंग बिरंगा सर्वे शीट, ये उन्हीं मास्टर ट्रेनर्स को दिया जाएगा जो पूरे लर्निंग आउटकम्स कार्यक्रम को उपस्थिति, संपूर्ण निष्ठा और निर्देशानुसार कंप्लीट करेंगे और इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स को एक खास किट भी दिया जा रहा है जो उनके द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए काम आएगा, जिसमें निम्न शामिल हैं: OMR रिस्पॉन्स शीट्स, डेमोग्राफिक फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म्स। जो भी प्रशिक्षार्थी पूरे लर्निंग आउटकम्स कार्यक्रम को उपस्थिति, संपूर्ण निष्ठा और निर्देश अनुसार कंप्लीट करेंगे, उनको एक अलग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमने अनुशासन, निष्ठा और उपस्थिति की तो बात कर ली, और इसमें आपके लिए कुछ नया नहीं होगा क्योंकि आप भी तो यही सब कुछ अपने छात्रों से उम्मीद करते हैं, और इधर आप छात्र की भूमिका ही तो निभा रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, या जैसे को तैसा, बी द चेंज यू विश टू बी। आइए हम सब मिलकर जाने, समझें और सहमत हो लें। कैपिटल अक्षर का उपयोग। आपको कहीं भी लेखन कार्य नहीं करना है, केवल कहीं अक्षर या संख्या अथवा गोलाकार को भरना है। इसलिए आपको कहीं अक्षर लिखने हैं, वे आपको कैपिटल में लिखने हैं ताकि आसानी से पढ़े जा सके। सभी फॉर्म वापस एकत्र किए जाएंगे, जहां तक संभव होगा हम इन्हें रिसाइकल करेंगे ताकि कोई भी कागज बेकार ना जाए। इससे हम पर्यावरण संवेदनशीलता का प्रमाण देंगे। नोट्स लेने में समय बर्बाद न करें। पूरा पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया और आपकी आसान समझ के अनुसार रचनात्मक ढंग से तैयार किया गया है। गरिमा व अनुशासन बनाए रखें, ये अब हम मानकर ही चल रहे हैं। और इससे सबसे जरूरी होगा, अपने मोबाइल या सेलफोन को ऑफ या शांत रखें। इसके परिपालन के लिए आपको इसी समय 15 सेकंड दिए जा रहे हैं। अपना मोबाइल या सेलफोन निकालें और खुद आश्वस्त हो जाएं कि आपने उसे ऑफ या शांत कर दिया है। दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि आपके पास कोई बहाना ना रहे। कैपिटल अक्षर का उपयोग, सभी फॉर्म वापस एकत्र किए जाएंगे, नोट्स लेने में समय बर्बाद ना करें, गरिमा व अनुशासन बनाए रखें,
अपने मोबाइल या सेलफोन को ऑफ या शांत रखें। आइए अब थोड़ा पेपर वर्क पे भी ध्यान दें। सबसे पहले आप में से जो परिचित ना हो और जो परिचित हो भी, उनके लिए पुनरीक्षण या रिविजन। लर्निंग आउटकम्स कार्यक्रम में हम OMR टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। शायद आप में से कई ने ऐसे फॉर्म्स भरे भी होंगे। आपके सारे उत्तर इस गुलाबी रंग में छपे फॉर्म पर ही दिए जाएंगे और आपको जो डेमोग्राफिक और फीडबैक फॉर्म्स दिए गए हैं वो भी वापस लिए जाएंगे, इसलिए उन पर कोई भी निशान या लेखन या चित्रांकन न करें। गुलाबी रंग में छपे OMR रिस्पॉन्स शीट भरते वक्त इन बातों पर खास ध्यान दें। गोलाकार भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल का उपयोग प्रतिबंधित है। गोलाकार पूरी तरह से भरा होना चाहिए। अगर आप इस नमूने से गोलाकार भरेंगे तो ये चारों तरीके, जैसे एक्स इस्तेमाल करना या गोलाकार में केवल बिंदु बना देना या अस्पष्ट कलम घसीट या टिक करना, अमान्य होंगे क्योंकि आपकी OMR रिस्पॉन्स शीट को स्कैनर पढ़ ही नहीं पाएगा और नुकसान सिर्फ आपका होगा। OMR रिस्पॉन्स शीट को सही तरह से भरने का तरीका यहाँ दर्शाया गया है। इस फॉर्म पर कुछ भी मिटाना, काट पीट करना या बेमतलब निशान लगाना मना है। अनचाहे निशान छिपाने के लिए मार्कर या सफेद तरल पदार्थ का उपयोग न करें। इस फॉर्म को तोड़ना, मरोड़ना या कुचलना वर्जित है। पहले की तरह दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि आपके पास कोई बहाना ना रहे। गोलाकार भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल का उपयोग प्रतिबंधित है। गोलाकार पूरी तरह से भरा होना चाहिए। इस फॉर्म पर कुछ भी मिटाना, काट पीट करना या बेमतलब निशान लगाना मना है। अनचाहे निशान छिपाने के लिए मार्कर या सफ़ेद तरल पदार्थ का उपयोग ना करें। इस फॉर्म को तोड़ना, मरोड़ना या कुचलना वर्जित है। आपको केवल एक ही OMR रिस्पॉन्स शीट मिलेगी और एक्स्ट्रा OMR रिस्पॉन्स शीट नहीं मिलेगी। हर OMR रिस्पॉन्स शीट धारावाहिक रूप से क्रमांकित है। आपकी सहूलियत के लिए हम अब एक उदाहरण ले रहे हैं OMR रिस्पॉन्स शीट के विभिन्न सेक्शन भरने के। आपसे अनुरोध और निवेदन है कि अगले 3-4 मिनट आप अपना पूरा ध्यान और एकाग्रता इसको समर्पित करें और OMR विधि को जानें, समझें और पालन करें। बाएं ओर है आपके नाम और स्कूल के नाम के लिए अनुभाग। इन नामों को कैपिटल अक्षरों के अलावा आपको ध्यान रखना है पूरी चेतना से ज़्यादा आप 24 अंकों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें शामिल हैं खाली स्थान जो नाम के विभाजन के लिए आवश्यक हैं। ज़रा इस पर और केंद्रित तथा फोकस होते हैं। पूरे कानूनी नाम की ज़रूरत नहीं है और हमारे लिए आपका नाम और कुल नाम काफ़ी है। अब नमूने के तौर पर यह नाम पुरुषोत्तम भास्कर भवे कम से कम 25 अंक मांगता है। यहाँ हम केवल पुरुषोत्तम भावे को लिख सकते हैं। मध्य नाम या उसका इनिशियल या प्रारंभिक लिखने की ज़रूरत नहीं। तो सर्वप्रथम आप नाम लिखेंगे दिए गए वर्गों में और कैपिटल अक्षर में। इसके उपरांत हर अक्षर के अनुकूल आप उससे संबंधित गोलाकार को पूरी तरह काले या नीले बॉल पॉइंट से भरेंगे, जैसे पी, फिर यू, फिर बाकी के अक्षर। यह आसान काम ध्यान से और आराम से करें ताकि काटा पीटी
या गलत ढंग से न हो जाए। इसी विधि का इस्तेमाल आप स्कूल के नाम के लिए करेंगे। यह भी एक उदाहरण देकर हम आपको एनिमेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां श्री शाहू छत्रपति शिवाजी विद्यापीठ जैसे लंबे नाम को हमने शॉर्ट कर दिया है SSCS विद्यापीठ, और इसमें शामिल हैं खाली स्थान जो इनिशियल या प्रारंभिक नाम के विभाजन में आवश्यक है। अब आपको आपके मोबाइल या सेलफोन आयु वर्ग तथा लिंग वर्ग के लिए अनुभाग पर ले चलते हैं। पहले संख्या लिखें और उसके बाद आप उससे संबंधित गोलाकार को पूरी तरह काले या नीले बॉल पॉइंट से भरेंगे। उसी तरह अपनी उम्र, जैसे इधर अगर 38 है तो 30 और 40 वाला गोलाकार पूरी तरह काले या नीले बॉल पॉइंट से भरें। लिंग वर्ग के लिए आपको कोई निर्देश देने आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि जीवन में शायद इसी में आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं यू डाइस पर, जिससे अब तक आप सब भलीभांति परिचित हो चुके होंगे। ये शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक शिक्षा चक्र को शामिल किया गया है और इसका 11 अंकों में कोड है, जो आपको पता होना चाहिए। इसे भरने के बाद आप जो सेक्शन देखेंगे, इन्हें भरने के निर्देश बाद में दिया जाएगा। ICT सेक्शन को भरने के निर्देश भी बाद में दिए जाएंगे। आपके सामने अब जो ये सेक्शन है, उसके गोलाकार भरने की विधि पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन उसके निर्देश आपको डेमोग्राफिक और फीडबैक फॉर्म्स में साफ साफ स्पष्ट दिए गए हैं। आप डेमोग्राफिक फॉर्म तो पहले ही भरेंगे, लेकिन फीडबैक फॉर्म लर्निंग आउटकम्स कार्यक्रम की समाप्ति के समय, जिसके लिए आपको अलग से वक्त दिया जाएगा। अगर इस सब सरल स्पष्टीकरण के बावजूद आपको फिर भी कोई शंका, संदेह या दुविधा हो, तो अपने फैसिलिटेटर या ट्रेनर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।